नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं अभिनय निगम स्कॉलर्स एकेडमी के अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग लेकर के आए हैं प्लेन और डायगोनल स्केल के बाद में वर्नियर स्केल का सेक्शन। इस सेक्शन में आप लोग ये समझेंगे कि अल्टीमेटली हम वर्नियर स्केल के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, प्रिंसिपल क्या होता है वर्नियर स्केल का, और कैसे वर्नियर स्केल को बनाया जा सकता है, अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, तो यहां पर वर्नियर स्केल की जब हम बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सा, आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए, डायगोनल स्केल की तरह ही वर्नियर स्केल होता है। जो भी हम डायगोनल स्केल से प्रेजेंट कर सकते हैं वो हम वर्नियर स्केल से कर सकते हैं। वर्नियर स्केल में ज्यादा स्पेस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर यह कॉम्प्लेक्स होती है, पर आपको लगेगी नहीं। मैं आपको सिंप्लिसिटी के थ्रू ये बता दूं। यहां पर भी हम डेसिमल के बाद में दो यूनिट शो कर सकते हैं, जैसे 2.39, या लिख दूं मैं 23.9, या लिख दूं मैं 239। दैट मीन्स थ्री यूनिट्स की जहां पर बात आती है, तीन स्केल की जहां पर बात आती है, वहां पर हम लोग बात करते हैं वर्नियर स्केल की भी। अब चूंकि मैं डायगोनल स्केल की तरह बोल रहा हूं, तो यहां पर भी मुझको क्या निकालना पड़ेगा, एलओएस दोस्तों। तो यहां पे प्लेन को पढ़ते, स्केल को पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, ड्रॉ अ वर्नियर स्केल ऑफ आरएफ इज इक्वल टू 1/25। देखिए, एलओएस के लिए हमको आरएफ तो डायरेक्टली मिल गया, क्या मिल गया, 1/25। अब हम सभी को पता है कि एलओएस का अल्टीमेटली फॉर्मूला होता है आरएफ इनटू एमएल। अब यहां पर मुझे एमएल की रिक्वायरमेंट होगी, तो टू रीड सेंटीमीटर्स अप टू 4 मीटर्स, ठीक है, टू रीड सेंटीमीटर्स अप टू 4 मीटर्स। तो 4 मीटर आपका क्या आ गया बेटा, अब हमको पता है एलओएस काय में होता है सेंटीमीटर में, तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर दें, दिस इज सिंपली व्हाट, 100, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर्स, ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर आने के बाद में बिल्कुल भी आप तो कोई अलग प्रोसेस यूज नहीं करनी। नाउ मैं डायरेक्टली अब इस पर आ रहा हूं ड्रॉइंग पर। तो मैंने आपको बोला था मैं एचबी पेंसिल लूंगा और इसको लाइट भी चलाऊंगा और डार्क भी चलाऊंगा। तो यहां पर मुझे इधर ऊपर भी जगह छोड़नी है, थोड़ी नीचे भी जगह छोड़नी है, यहां भी छोड़नी है और यहां पर भी मुझे छोड़नी है। तो यहां पर 16 सेंटीमीटर्स मेरे पास में है, मैं 16 सेंटीमीटर यहाँ पे लाइन जो है मार्क कर लेता हूँ। ये मैंने 16 सेंटीमीटर की लाइन मार्क कर ली, देखे जरा, ठीक है, क्या 16 सेंटीमीटर है? हाँ, यस, डेफिनेटली ये 16 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा सा डार्क बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है ये मुझे बाद में डार्क करनी ही है, ठीक है। अब यहां पर मुझे 1 सेंटीमीटर लेना है, ये मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया, ओके। एंड जैसे ही मैं 1 सेंटीमीटर पे जा रहा हूं, मैंने 0.5 पे मार्क कर दिया, ठीक है। सेम हियर, मैं यहां पर भी 1 सेंटीमीटर पे जा रहा हूं, तो ये रहा ये, ओके। ये 1 सेंटीमीटर लेने के बाद मैं वापस मैंने इसको इस पे रखा और नीचे जो है ट्रांसफर कर लिया। ये सारी प्रोसेस आपको पता है ना, आप इसके पहले डायगोनल स्केल समझ चुके हैं। अब आपके पास में क्या आ गई, एक स्केल आ गई है। अब उस स्केल के मुझको कुछ पार्ट करने हैं दोस्तों, ठीक है, उस स्केल के मैं पार्ट करना चाहता हूं। तो यहां पर ये मैंने स्केल को रखा, मैंने आपको बताया था इसके नियरर आपको लाइंस को लेना है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, भाई कितने पार्ट करने हैं हमको, ठीक है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला था जितना एमएल उतने पार्ट, क्या बोला था, जितना एमएल उतने पार्ट। तो अब यहां पे तो क्या है, 4 मीटर है, तो आप ऑब्वियसली जो सोच रहे हैं आप सही सोच रहे हैं, मुझे इसके 4 पार्ट करने हैं। ये लिया मैंने राउंडर और यहां पर इतना ओपन करा कि इस लाइन पे 4 पार्ट कट हो जाएं। तो ये 1, ओके, ये हो गया 2, ओके, ये हो गया 3, ओके, ये हो गया 4, ओके। नाउ अब जैसे ही हमारे पास में 4 पार्ट्स आ गए हैं, हमने लास्ट से लास्ट को जो है मर्ज कर लिया है, ठीक है, ये, ओके, थोड़ा सा लाइट चला रहा हूं मैं, ठीक है। और वीडियो में वैसे इसके पहले ज्यादा कुछ मुझे कंस्ट्रक्शन लाइंस देखने को नहीं मिली थी, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, थोड़ा सा मैं डार्क बना रहा हूँ, पर आपको डार्क नहीं बनाना है। ये हमको क्या करना है, केवल यही हमको क्या करना है, डार्क करना है। तो 4 पार्ट जैसे ही आपके पास में आ गए हैं, अब इसको मैं नीचे ट्रांसफर कर लेता हूँ। ये मैंने ट्रांसफर कर लिया है, ये मैंने ट्रांसफर कर लिया, आपको डार्क डार्क दिख रहा होगा और लाइट, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, वो आपको करना ही है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्लियर होता है, ठीक। तो ये आपका पोर्शन पूरा का पूरा बन गया। अब हमारी जो प्रोसेस थी, सेम प्रोसेस, हम कुछ नया नहीं कर रहे, वापस स्केल को रख रहे हैं, 5 पर ले जा रहे हैं, इसको पहले वाले को बना दिया, दूसरा वाला जो है लीव कर दिया, एंड थर्ड को हमने बना दिया। फिर एक पार्ट हम लोग छोड़ देते हैं, एक पार्ट पहले मैंने बोला था भगवान का, ठीक है, ये भी मान लीजिए भगवान का पार्ट है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए और यहां पर लिख दीजिए 0। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर 1 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है। तो यहां इंपॉर्टेंट क्या होता है, शो करने वाले यूनिट, हमें शो क्या करना है, हमको शो करना है दोस्तों 2.39। क्या शो करना है, 2.39,
3 9। अब मैं थोड़ा सा सिंपलिसिटी पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट वाले और पॉइंट वाले में पॉइंट वाली टर्म्स को कुछ बच्चों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फिलहाल मैंने इस 2.39 को 2.39 न करते हुए 23.9 कर दिया। मैं इस पर भी आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस पर भी आऊंगा, क्लियर है। दैट मीन्स अब मैंने 4 मीटर कंसिडर न करते हुए 40 मीटर कंसिडर कर लिया, बस दैट्स इट, इतना ही कुछ हुआ है, ठीक है। बट मैं क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन यही रख रहा हूं, बस मैं आपको शो करने वाली थोड़ी सी टर्म बता रहा हूं, वो इसलिए ताकि आप वर्नियर के प्रिंसिपल को इजिली समझ जाए, बस इतना ही, ठीक है। मैं फिर क्लियर करूंगा कि अल्टीमेटली 2.39 कैसे आप इसमें बना सकते हैं। तो यहां पर मुझे अगर 23.9 शो करना है तो मैंने क्या करा, 23 एंड 0.9, ये तीन टर्म्स निकाल ली, वन स्केल फॉर 20, अनदर स्केल फॉर 3 एंड द नेक्स्ट स्केल फॉर 0.9। फिलहाल मैं किस पर हूं, 20 पर हूं, मुझे 20 शो करना इजीली कैसे कर पाऊंगा, तो मैंने बोला 10, ओके 20, ओके 30। तो देखिए 20 तो मेरा यहां से आ गया। अब 20 जब मेरा यहां से आ जाता है तो मुझे किस पर अप्रोच करने की कोशिश करनी है, 3 पर, ओके सेकंड स्केल पे जाने की कोशिश करनी है। तो मुझे पता है इस 0 से 10 में 10 पार्ट है, 10 टू 20 में भी 10 पार्ट है, और 20 टू 30 में भी 10 पार्ट है। तो इन सबके 10 पार्ट्स को मैंने यहां पर कॉमन ले लिया, दैट मीन्स इसको मुझे 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तोड़ना है। तो मैंने क्या करा, अब मुझे इसके पार्ट करने हैं, तो इसके थोड़ी सी टिल्ट करा, एंगल होना चाहिए कुछ 80 85, तो आपके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंटली होगा, 70 भी जा सकते हैं। और इस पर मैं 10 पार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, इतना इसको मैं ओपन करूंगा राउंडर को कि इसमें 10 पार्ट जो है वो कट जाए, 1 2 3 4 5, आप सबको दिख रहा होगा, ओके 6 7 8 9 और 10, 16 सेंटीमीटर कटने से बच गया, ठीक है। चलिए अब मुझे इससे ये लास्ट वाले पॉइंट से किसको मिलाना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मिलाना है, तो यहां पर आप इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो ये मैं इसको मर्ज कर रहा हूं, ये ओके दोस्तों, तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ओके पॉइंट मार्क करा, देन आगे स्विप करा, पॉइंट मार्क करा, देन आगे स्विप करा, पॉइंट मार्क करा, फिर आगे स्विप करा, पॉइंट मार्क करा, एंड सेम अप्रोच अप टू दी लास्ट, लास्ट तक हमको यही अप्रोच करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको जल्दी जल्दी करने की कोशिश नहीं करना है, बिकॉज ज़रूरी है कि लाइन सारी स्ट्रेट हो, बिल्कुल सीधी हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो आपके सारे पार्ट यहाँ पर कट गए हैं, यहाँ पे 10 पार्ट अब आ गए हैं। देखो अब क्या करना है, यहाँ पर आप स्केल को रखिए रेफरेंस के तौर पे और इसको आगे स्विप करिए। अब ऊपर वाले को हम, ऊपर वाली स्पेस को हम यूजुअली छोड़ते हैं, तो इस वाले पॉइंट को कहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, नीचे दोस्तों, ये कर दिया, देन इस पर आ गए, फिर हम इस पर आ गए, फिर हम इस पर्टिकुलर पे आ गए, फिर ये इस पर आ गए, फिर इस पर्टिकुलर पे आ गए, ठीक है। मैं आपको इसको वापस बताता हूं, ये यहां पर हम लोग ये वाले पॉइंट को नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, देन नीचे यहां पर ये वाले सेगमेंट को इधर ड्रॉप कर रहे हैं, ये वाले सेगमेंट को इधर, और ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और सारे पॉइंट को लेकर के हम लोग इसको नीचे उतार देंगे। पहली बार में ही आपको डार्क कर देना है, क्योंकि अब तक आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अभी आपके पास में ये स्केल दोस्तों आ गई है, अब रही बात इसमें क्या लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहां पर हम लोग हमेशा देखते हैं कि हमें शो क्या करना है, 3 शो करना है, 3 पर इजीली कैसे जा सकते हो, 10 20, अरे वो तो आएगा ही नहीं ना, तो हमको 1 2 3 शो करना है। तो यहां पर देखिए हम लोग डाल रहे हैं 1, अब यहां पर स्पेसिफिक है, हमारे पास में इतनी कन्वीनियंट स्पेस है कि हम 1 2 3 सभी दे सकते हैं, तो दीजिए, मना कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके दोस्तों। तो यहां पर हम लोगों ने सभी नाम दे दिए, क्लियर है। तो यहां पे 3 भी हमारे पास में आ गया, ओके और अब बारी किसकी, 0.9 की। तो यहीं से ही तो डायगोनल चालू होती थी, क्योंकि यहां तक तो प्लेन स्केल ही है, ठीक है। तो 0.9 पर जाने के लिए अप्रोचेज अब क्या होंगी, डायगोनल में तो हमको पता है यहां पे 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है, 10 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, रेक्टेंगल फॉर्म करना है, ये वाले पॉइंट को स्टार्ट करना है। सबसे पहला जो यहां पे कॉर्नर आता है, ये वाला जो कॉर्नर आता है, इस पॉइंट को इससे मिलाना, उसी को लेकर के मेरे को आगे बढ़ते हुए जाना है, आई बात समझ में। पर अब वर्नियर में क्या करेंगे, तो यहां पर वर्नियर का जरा प्रिंसिपल समझिए, ठीक है, बी पेशेंस, प्रिंसिपल जरा वर्नियर का समझिए, बड़ा सिंपल है। देखिए ये छोटा सा ब्लॉक 10 पार्ट में कट है, ठीक है। अब 10 पार्ट में कट है तो इसमें मैं जानता हूं कि ये सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है,
सब एक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा बहुत मैनुअल मिस्टेक हो सकती है बट मैं जानता हूँ कि ये सब इक्वल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब मैं मानता हूँ ये सब इक्वल है, ठीक। इसका एक पार्ट आपको पिक करना है, उठाना है। इसका एक पार्ट उठाने का मतलब क्या, ये देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक इसका एक पार्ट उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये सब क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका एक पार्ट उठाया। अब एक पार्ट उठाने के बाद में मुझे इसको कहाँ कट करना है, इस पर्टिक्यूलर पे। देखिए जरा आप समझ रहे होंगे क्या करा है मैंने, ये वाला पार्ट उठा करके इसको यहां पे कट कर, आप चाहे तो ये वाला पार्ट उठा करके आगे कट कर दीजिए। मतलब अब आपको ऐसा लग रहा हो कि 10 के बाद में 11 भी है, तो बिल्कुल सही है, आप सही सोच रहे हो कि 10 के बाद में 11 ही है यहां पे। देखिए मैं अब क्या करूंगा, मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये जो पॉइंट मैंने कट किया है मैं यहां तक इसको ला रहा हूं। कहां से, यहां से मैंने इसको कहां तक ले आया, यहां तक। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। अच्छा अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वही सेम प्रोसेस जो मैं इस स्केल के लिए यूज कर रहा था, एक सेंटीमीटर की लाइन। बेटा सबका प्रेजेंटेशन अपने आप में क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। आपको जो भी प्रेजेंटेशन अच्छा लगे आप उस प्रेजेंटेशन को बिल्कुल पकड़ लीजिए और वही प्रेजेंटेशन को आप करते हुए चलिए। कोई गलत नहीं बोलेगा कि आपका प्रेजेंटेशन हमसे डिफरेंट है तो आपकी स्केल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। मेरा प्रेजेंटेशन ऐसा है तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा दोस्तों, यहाँ से देखिए एक ब्लॉक ये जो है छोटा सा पार्ट मैंने उसको यहाँ पर कट किया, इस लाइन को ऐसे मिलाया, यहाँ से मैंने एक स्केल बनाई, ये है मेरी वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल खाली है, अब इसके पार्ट करने पड़ेंगे। तो हम जानते हैं हम सबके कितने पार्ट करते हैं, 10 पार्ट करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड पार्ट कितने करते हैं, 10 पार्ट करते हैं, 10 पार्ट करते हैं। तो हमने इस पर्टिक्यूलर का भी 10 पार्ट कर लिया। इसके बाद में मैं आपको वर्नियर स्केल का प्रिंसिपल समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर हमने इसके कितने पार्ट कर लिए, 10 पार्ट। दोस्तों 10 पार्ट कैसे करते हैं हमको पता है, यहां पे हम लोग ऐसे लाइन खींच देंगे नीचे, एंड लाइन खींचने के बाद में हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम लोग 10 पार्ट जो है वो कट कर लेंगे। तो यहां पे ये हो गया, देखिए जरा ये मैं दूसरा राउंडर ले लेता हूँ दोस्तों, ठीक है थोड़ा सा वो, ठीक है। तो ये 1, ओके, ये 2, ये 3, दिस इज 4, दिस वन इज 5, नेक्स्ट इज 6, 7th नंबर, 8, कम टू द 9, एंड एट लास्ट 10। 10 पार्ट केयरफुली, 10 पार्ट हमने इसके कर दिए। और अब हम लास्ट से लास्ट को मिला देते हैं, लास्ट से लास्ट मतलब ये, ठीक है दोस्तों सेम अप्रोच है, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पर ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है। थोड़ा सा डार्क इसलिए बना रहा हूँ ताकि वीडियो में आपको दिखे, ओके, अदरवाइज मैं इसको और ज़्यादा लाइट बनाता। तो आपको इसको लाइट ही बनाना है, केवल मैं बना रहा हूँ बिकॉज आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ, इसलिए मुझे ये डार्क लाइंस बनानी पड़ रही है, अदरवाइज आप और लाइट बनाइए। फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि मैं डार्क को डार्क दिखा रहा हूँ और लाइट को लाइट ही दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, ये 5 मैंने जो बनाया था 0.5, इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ और सेम सेक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब क्या करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे अब हम करते हैं कि यहाँ इस पर्टिक्यूलर पे हम लोग स्केल बना रहे हैं। देखो ये वाले पार्ट को यहाँ पे इसको अगर मैं इससे ऐसे उतारूंगा, ठीक है, तो आपने जब वर्नियर को इंस्ट्रूमेंट देखा होगा तो आपने देखा होगा दो स्केल आपस में थोड़ी थोड़ी दूरी पर होती हैं। देखिए वैसा ही कुछ विजन आपको यहाँ पे दिखेगा, वैसा ही कुछ। जब मैं इन पॉइंट्स को ऊपर उतारूंगा, ये जो पॉइंट्स है इनको जब मैं ऊपर लेऊंगा, ये जो पॉइंट है ऊपर लूंगा, ये जो पॉइंट है ऊपर लूंगा, पर अगर मुझे सही तरीके से प्रेजेंट करना है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो है ना, इंस्ट्रूमेंट तो बने हुए रहते हैं, स्टैंडर्ड बने हुए रहते हैं, तो मुझे प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेजेंट करने के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि मैं ये जो पर्टिक्यूलर पॉइंट है इसको मैं यही रोक दूं, ठीक है। मतलब मैं ये वाला सेक्शन यूज करूं, ऊपर वाला ना करूं। ये मेरा प्रेजेंटेशन है, आपकी इच्छा, आप उसको ऊपर भी ले सकते हो और भी आप बुक्स में देख सकते हो स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर, यहाँ पे ये देखिए मैंने इस वर्नियर स्केल के अल्टीमेटली कितने पार्ट्स कर दिए हैं, 10 पार्ट यहाँ पर कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ मुझे इसका नेम देना है, किसका नेम देना है, इस पर्टिकुलर का भी मैं दे चुका हूँ, बट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये नेम दिया कैसे। देखिए
आपने इस 10 सेंटीमीटर के कितने पार्ट करे हैं? सपोज मान लेता हूं मैं कि ये जो एक लाइन, ये जो एक पार्ट है, ये कितने का है? 1 सेंटीमीटर का। मैंने यहाँ 1, 2, 3 क्यों लिया था? इसको मैंने 2.39 को हटा करके क्या लिया था? 23.9, ताकि मैं आपको इजीली 1, 2, 3 का रेफरेंस दे करके समझा दूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है पॉइंट में समझने में। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, ठीक है, साथ में लिखता जाता तो टाइम लगता। बट अब यहां पर हम लोग अगर 1 सेंटीमीटर का ये पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो ये भी हुआ 1 सेंटीमीटर, मतलब कुल 2। ये हुआ फिर 1 सेंटीमीटर, मतलब टोटल 3। ये हुआ 1 सेंटीमीटर, मतलब टोटल 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर कितने पार्ट करे? 10 पार्ट करे, तो एक पार्ट कितने का हुआ? 1 का। इसलिए यहां लिखा 1, फिर 1 से फिर 1 तो लिखा 2, 2 से फिर 1 लिखा 3, 3 से फिर 1 लिखा 4। अब यहां पर देखिए क्या करा आपने, इसका एक पार्ट उठाया है और एक पार्ट उठा करके यहां पर आपने रख करके कट करा। फिर आपने इधर से, यहां से पूरी यहां तक लाइन ली, मतलब अगर टोटल ये 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ? तो इसका एक पार्ट आपने ज्यादा रखा हुआ है। तो ये अगर यहां से यहां तक 10 होती है, तो यहां से यहां तक ये 11 होगी। और अगर ये 11 होगी और इस स्केल को मैं 10 पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो एक पार्ट कितने का होगा? तो 11 डिवाइडेड बाय 10, तो 1 पार्ट हुआ 1.1 का। देखिए, ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, मैं बड़ा सिंपली आपको समझा दूं कि जब आप देखें कि यहां 1 लिखा है ना, तो बिंदास यहां पर 1.1 लिख दीजिए। यहां लिखा है 2, तो यहां लिख दीजिए 2.2। यहां लिखा है 3, तो यहां लिख देना 3.3। ऐसे यहां लिखा है 4, तो यहां लिखना 4.4। आई बात समझ में? अब ये किसके लिए था बेटा? 23.9 के लिए। मैंने जल्दी से डायग्राम बनाया, ठीक है, काफी टाइम लगता है इसलिए फटाफट मैंने ये डायग्राम बनाया। बना करके आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाया कि वर्नियर स्केल को अगर आपने ये वाले पॉइंट को इधर आगे बढ़ाया, ऊपर नहीं बढ़ाया, तो क्लियर दिख रहा है ना? अब आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है या जो स्टैंडर्ड मेथड होती है, उसमें यूजुअली कैसा आगे बढ़ा के रखा हुआ होता है, तो हम जानते हैं कि उसमें क्या करते हैं। सपोज ये 10 पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। कौन से 10 पॉइंट हैं? ये वाले 10 पॉइंट कहाँ आ गए? वो ये दिख रहे होंगे आपको। इनको मैंने स्केल को रख करके ऊपर नहीं बढ़ाया, ऐसे आगे बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया, फिर यहाँ पर गया आगे बढ़ा दिया, फिर यहाँ पर गया आगे बढ़ा दिया, ऐसे ही मैंने 10 को कंप्लीट कर लिया, तो सब ऐसे मिल गए। और देखिए, आपको मिलते हुए भी दिखेंगे कि ये अगर एक होता तो ये देखिए 1.1 थोड़ा सा आगे ही है, फिर देखिए ये भी आगे है, फिर देखिए ये भी आगे है, फिर ये और आगे चला गया, और आगे चला गया, और आगे, मतलब बढ़ता जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा। सिंपली व्हाट, ये वर्नियर स्केल है। मतलब आपको अगर वर्नियर स्केल का क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको इस स्केल से मतलब है, मेन स्केल जिसको हम बोलते हैं ये है, और वर्नियर स्केल से मतलब है दोस्तों, ठीक है। वर्नियर स्केल कौन सी? ये वाली, ठीक है, ये चीज क्लियर होता है। अब देखिए, यहां पे लिखा था 1, क्यों? क्योंकि हमको 3 पर जाना था, तो 1, 2, 3 पे इजीली जा सकते थे। सपोज क्वेश्चन होता जो कि एक्चुअल पूछा गया था 2.3, अब जरा इसको लो, तो 2.3, तो पहला हिस्सा क्या निकला? पहला हिस्सा क्या निकला? 2 का। दूसरा क्या निकला? 0.3 का। और तीसरा हिस्सा किसका निकला? 0.09 का। तो पहली स्केल में ये, दूसरी स्केल में ये, तीसरी स्केल में ये। तो फर्स्ट स्केल में आपको 2 शो करना है, तो देखिए मैंने यहां क्या लिखा? 0, 1, 2, 3। अब 0.3 शो करना है, तो आपने वैसे ही गए और आपने 10 पार्ट काट लिए, तो यहां नाम क्या दिया? देखिए 0.1, 0.2 और 0.3। आगे पिक्चर। अब इसका एक पार्ट उठा करके आगे बढ़ाया और आपने स्केल बना ली, और स्केल को बढ़ा करके मैं यहां ना मिलाते हुए इधर मिलाया, तो स्केल एसी दिखने की बजाय अब एसी दिख रही है। तो चाहे ये कर लें, चाहे ये कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप बहुत केयरफुली और बहुत अच्छे से अगर कर पाते, ड्रॉइंग अगर बहुत आपकी अच्छी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसी पर जाएं, ठीक है। अब यहां पे अगर आप पहले वाले को नंबर देते हैं, यहां पर क्या दिया? 1, तो यहां पर क्या हो गया? 1.1। यहां पर क्या दिया आपने? 0.1, तो यहां क्या हो जाता है? ये
0.11, यहां क्या दिया 0.2 तो यहां क्या हो जाएगा 0.22, यहां क्या दिया 0.3 तो यहां क्या हो गया बेटा 0.33, ऐसे ही 0.4 तो 0.44, 0.5, 0.55, 0.6, 0.66, 0.7, 0.77, 0.8, 0.88 और 0.9 तो 0.99, 1 तो 1.1, 10 तो 11, अच्छा 100 होता तो क्या करते 110 करते तो यहां क्या आ जाता 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तो यहां क्या हो जाता 11 22 33 44 55 66 77 88 99 एंड 110। क्लियर है दोस्तों, यहां तक आपको चीज समझ में आ रही है? ठीक, तो अब हमको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट मतलब अब ये शो करना है, ये बताना है कि 2.39 को कैसे मैं इसमें दर्शाऊं या 23.9 को कैसे मैं दर्शाऊं। तो यहां से 23.9 दर्शाएंगे, यहां से 2.39 दर्शाएंगे। कैसे दर्शाते देखो जरा आप, तो 2.39, अब आपको करना क्या, छोटा सा एक कैलकुलेशन करना है, बहुत छोटा सा है, आपको समझ में आएगा कैसा कैलकुलेशन। देखिए जरा, आपको कैलकुलेशन में ये करना है कि ये जो 9 आपके लास्ट में लिखा हुआ है वर्नियर स्केल से, मैं क्या बोल रहा हूं, वर्नियर स्केल से आप एक नंबर को चूज करो जिसके लास्ट में भी 9 आ रहा हो। अब वर्नियर स्केल में ऐसे कौन से नंबर है, तो मैंने बोला 0.11 में कोई 9 नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यहां तक कोई 9 नहीं, नहीं, हाँ इसमें आ रहा है, दैट मीन 0.99 आपके पास में है। ऐसे ही मैं अगर एक दूसरा पोर्शन लूं तो यहां क्या लिखा है बेटा 0.91, देखिए मेरे को यह भी शो करना है। तो 0.91 में क्या करूं, पीछे कौन सी टर्म है 1, तो यहां पे मेरे को पहली वर्नियर की जो टर्म दिख रही है इसमें से अगर देखता हूं तो, है ना, तो पहली वर्नियर की जो टर्म दिख रही है वो कौन सी दिख रही है 0.11, 0.11 बेटा आपको समझ में आ रहा है। तो 0.91 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 0.11 तो मेरे पास में टर्म कौन सी आएगी 0.8, क्या आएगी मेरे पास में 0.8 आएगी। यहां पर जब मैं देखता हूं 2.39 को, जरा ध्यान से समझेंगे, है ना, यहां पर मैं अगर देखता हूं 2.39 को तो लास्ट में क्या है 9, मतलब माइनस 0.99 से मैंने इसको क्या कर दिया माइनस, ठीक है, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 1.4। अब 1.4 मेरे पास में आया तो अब इसको आप भूल जाइए, देखिए इसमें से आप अब इसको भूल जाइए और अब आप इसको भूल जाइए, अब आपके पास में दो टर्म, इसको इसको डायमेंशन कर, इसको मेजर करने के लिए दो टर्म है आपके पास में, ये और ये, और इसको मेजर करने के लिए दो टर्म है आपके पास में, ये और ये, तो आप इसको मेंशन करना चाहते हो तो इन दोनों को शो कर दो, और इसको मेंशन करना चाहते हो तो इन दोनों को आप शो कर दीजिए। अब देखिए जरा इस पे 0.99 पे अप्रोच करिए, 0.99 का है तो मेरे पास में डायरेक्टली 0.99 है इधर, ठीक है, हियर दिस इज 0 to 0.99, ओके क्लियर है। अब मुझे क्या शो करना है बेटा, मुझे शो करना है 1.4। अब देखिए 1.4 ये वाला नहीं, ये वाला 0.4 नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो क्या आ गया है आपका 0.99, ये गलती आप नहीं करेंगे। क्यों, देखिए 1.4 अगर मुझे शो करना होता है और मैं किसी भी एक सिंपल स्केल पे नजर डालता हूं तो क्या होता है कि अगर मुझे 1.4 शो करना है तो 1 और 2 के बीच में मुझे एक ये पॉइंट मिलता है, तो यहां से लेकर यहां तक ये मेरा 1.4 होता है। यहां पर भी सेम अप्रोच हमको फॉलो करनी है, कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है, तो 1 और 2 के बीच में अब मैंने 10 पार्ट किए, सेम प्रोसेस है, लाइन खींचा रेंडमली एंगल पे, 10 पार्ट किए राउंडर से इक्वल, मर्ज किया, ज्वाइन करते टाइम पॉइंट मार्क करे और सबको ऊपर ट्रांसफर कर दिया, और यहां 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 नाम दे दिए, 0.4 मैंने यहां से निकाल लिया और 0 ये रहा, तो ये कुल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 1.4। अब देखिए इसको बोलते हैं एक के बाद एक जब आप डायमेंशनिंग करते जाते हैं, यहां पर फिर कर दी तो उसको बोलते हैं चेन डायमेंशनिंग, ये डायमेंशनिंग का एक पैटर्न होता है, हम इस पे
डायमेंशनिंग, लेटर राइटिंग, इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, पर चूंकि ये थ्योरेटिकल है इसलिए अभी फिलहाल हम इस पे जाने नहीं वाले। तो ये चेन डायमेंशनिंग कर दी और इसके जस्ट नीचे मैंने एक पैरेलल डायमेंशनिंग मार दी। अब देखिए 0.99 अलग, 1.4 अलग, पर टोटल मिलाकर कितना होता है 2.39। तो ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन है, ये आप कर सकते हो। अब यहाँ पे टेंशन वाली बात किसको शो करने की, 0.91 को शो करने की। तो 0.91 में से जब मैंने माइनस किया 0.11, सो आंसर वी गॉट 0.8। अब यहाँ पर मैं इसको भूल गया और मैंने 0.11 को शो कर दिया और 0.8 को शो कर दिया। देखूँ 0.11 कहाँ है, देखिए 0.11 है ये, और 0.8 कहाँ है, तो 0.8 है दोस्त ये। अब यहाँ से आप देखिए 0.8 को बाहर निकाल लीजिए, ये था ठीक है। तो यहाँ से मैंने एग्जैक्टली 0.8 को बाहर निकाला और 0.1 का है, ये रहा 0.11। तो इस पर्टिकुलर को भी मैंने बिल्कुल लाइट हैंड से जो है इसको यहाँ पे बाहर किया, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है ये वाला। और यहाँ से इसको मैंने ये डायमेंशन कर दिया, ये देखिए। और इसको स्पेसिफिकली मैंने क्या लिख दिया, स्पेसिफिकली मैंने इसको 0.91 लिख दिया मीटर, ये आपको पता है। प्रेजेंटेशन कैसे करना है इसके प्रीवियस वीडियोस में आप जाकर के देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है। क्लियर होता है, यहां तक चीज समझ आती है। तो ये मैं मेंशन कर सकता हूं दोस्तों, 23.9 को शो करना है तो भी कर सकते हैं। 23.9 के सबसे लास्ट में है 9, तो 9.9, चूंकि हमारे पास में वर्नियर स्केल की टर्म 9.9 टर्म पड़ी है, माइनस करा 1.14 आ गया। अब 9.9 को शो कर दीजिए एंड 14 को अलग शो कर दीजिए, तो 0 to 10 आपके पास में है और 10 to 20 के अंदर 14 आपको मिल जाएगा, ठीक है। 14 आप लोग निकाल लीजिए यहां से लेकर यहां तक, और स्पेसिफिकली आप यहां से लेकर यहां तक शो कर दीजिए 0.99 को। तो यहां तक चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहां पर यूनिट आपको बनानी है, यूनिट मेंशन करनी है। तो यहां पे दे रखा है कि आपका टू रीड सेंटीमीटर्स, तो सेंटीमीटर्स मतलब पूछा मीटर है और आपको सेंटीमीटर तक जाना है। तो बेटा ये तो हो गया मीटर, ये हो गया डेसीमीटर, एंड आपको पता है ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, कोई अंतर नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर बात अगर आई है तो मैं आपको क्लियर कर दूं एक चीज कि यूनिट्स की अपनी टू टाइप की फैमिलीज होती हैं, दो तरह से क्वेश्चन में आपको पूछी जा सकती है। कैसे, एक तो पूछा जाएगा स्पेसिफिकली कि आप तीन यूनिट्स अलग अलग शो कर दीजिए, जैसे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। ऐसी एक और फैमिली होती है, कौन सी, किलोमीटर की। तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। किलोमीटर अगर यहां आया तो हेक्टोमीटर यहां आएगा और डेकामीटर कहां आएगा, यहां पे। पर एक फैमिली यहां पर और है, कौन सी फैमिली है, एक फैमिली है सिंगल यूनिट्स की, ये जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए एक तो यूनिट कैटेगराइज ये हो गई, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, और एक यूनिट कैटेगरी हो गई सिंगल यूनिट्स की, सिंगल मीटर्स, सिंगल किलोमीटर्स। अब अगर मीटर्स आपको लिख दिया गया है, यूजुअली दो ही टर्म में पूछी जाती है, मीटर्स के टर्म में, बिकॉज इस फैमिली का जो बड़ा मेंबर है वो ये है और इस फैमिली का जो बड़ा मेंबर है वो ये है किलोमीटर्स। तो सिंगल यूनिट या तो मीटर्स में बोलेगा वो, या फिर सिंगल यूनिट्स किलोमीटर में। तो यूनिट्स का सिंगल का मतलब क्या होता है, सिंगल का मतलब दोस्तों बहुत ही छोटी सा होता है कि आपने पहले तो लिखना है मीटर, फिर लिखना है आपको 1/10 मीटर, और फिर लिखना है आपको 1/100 मीटर। कब, जब 2.39 मेंशन करने के लिए दिया हो। देखो पहला तोड़ा 1 में, दूसरा तोड़ा 0.0 में, 0.0 क्या होता है 1/10, और फिर होता है 0.00, दैट मीन्स 0.01, क्लियर है। तो पहला हुआ 1, दूसरा हुआ 0.1, तीसरा हुआ 0.01। और ये आपको पता है कि 1 यूनिट, टेंस तो बोल नहीं सकते, तो 1/10 बोलेंगे एंड 1/100 बोलेंगे। अच्छा 23 आता तो क्या करते, तो ये क्या हो जाता,
टेंस यूनिट, पहले क्या होती है टेंस यूनिट, फिर क्या होती है वंस यूनिट, और फिर क्या होती है वन बाय टेंस यूनिट। ठीक है, मतलब पहले होती है आपकी ढाई की, फिर होती है आपकी इकाई की, और फिर होती है आपकी वन बाय 10। ओके, क्लियर है? बहुत ज्यादा हिंदी तो मेरे को नहीं आती, हाँ बट कोशिश करता हूँ। क्लियर है? ठीक। अच्छा, 239 होता तो क्या करते दोस्तों? तो 239 होता तो हम करते पहली यूनिट जो है वो हंड्रेड्स की, फिर टेंस की, और फिर आपकी वंस की। तो ये है सिंगल यूनिट्स और ये है फैमिलीज। आई थिंक, आई होप आपको समझ में आया होगा, आ रहा होगा। तो यह पूरा आपका एक वर्नियर स्केल का सेक्शन है। आपको प्रॉपर यहाँ पर आरएफ लिखना है, यहाँ एलओएस लिखना है। आप इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें आप जा करके देख सकते हैं कैसे मैंने प्रेजेंटेशन करा है। यहाँ पर आपको एलओएस लिखनी है और यहाँ पर भी आपको एलओएस, और जो भी आपको मेंशन करने के लिए दिया हो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है। आई होप आपका एक भी नंबर, गारंटी है आपका कोई भी नंबर कट नहीं होगा। प्रेजेंटेशन के आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ख्याल रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जिन बच्चों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक भी पहुँचाएं ताकि अदर बच्चे भी इसको सीख सकें सिंप्लिसिटी के साथ और इफेक्टिवली कर सकें। थैंक यू वेरी मच।